नमस्कार किसान भाइयों, मैं युक्सेल सीड इंडिया से अभय सिंह और आज मैं गांव बछड़ावदा डिस्ट्रिक्ट धार में हूं। हमारे साथ है एक प्रगतिशील किसान राहुल रामधनिया जी, जो कि युक्सेल सीड्स का 5236F1 वैरायटी 1 एकड़ के नेट हाउस में लगाया हुआ है। तो राहुल जी, आपने ये कितने तारीख को सोइंग किया था? ये 14 नवंबर 2022 को किया था। 14 नवंबर 2022 को किया था। यस। तो अभी आप हार्वेस्टिंग कितने दिन में स्टार्ट हुआ इसका? ये सर करीब 47 दिन के आसपास चालू हुआ था। 1 जनवरी से मतलब तुड़ाई चालू कर दी। 1 जनवरी से तुड़ाई हुआ था। यस सर। तो आज 30 जनवरी है। यस। तो आपने लास्ट टाइम कितने तारीख को हार्वेस्टिंग किया था इसका? इसकी सर 29 तारीख को किए थे। 29 तारीख को किया था। यस। तो 1 जनवरी और 29 के बीच में कितना आपका प्रोडक्शन आ गया? सर करीब 173 क्विंटल के आसपास आ गया। 173 क्विंटल मतलब 17.5 टन के करीब। यस सर। 17.5 टन के करीब आ चुका है और अभी का कंडीशन देख सकते हो। तो आप कितने दिन में हार्वेस्टिंग कर रहे हो? सर 2 दिन छोड़ के। 2 दिन छोड़ के। तो 2 दिन में कितना आपका निकल रहा है? सर 15 टन 20 टन। 15 क्विंटल। 15 क्विंटल 20 क्विंटल। 15 से 20 क्विंटल 2 दिन के गैप में निकल रहा है। यस सर। तो आप इनका देख सकते हैं मैनेजमेंट, 2 से 17 साढ़े 17 टन के बावजूद भी इतना बढ़िया, मतलब फ्रूट की सेटिंग क्वालिटी वगैरह है। आपको क्या इसमें चैलेंजिंग लगा? आपका कितना टारगेट है इस बार? आप कितना प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं? सर करीब 600 क्विंटल के आसपास का टारगेट लेके चल रहे हैं। 600 क्विंटल। तो आप इसको कब तक चलाएंगे प्लाट को? ये सर चलाएंगे मार्च तक। अच्छा, मार्च तक। 15-20 मार्च तक। 15 से 20 मार्च तक चलाओगे। तो आपके हिसाब से 600 क्विंटल निकल जाएगा? कैसा लग रहा है इस कंडीशन में? बिल्कुल निकल जाएगा सर। 173 क्विंटल हो गया है तो उम्मीद है बिल्कुल निकल जाएगा। तो 1 महीना में इनका 17.5 टन के करीब निकला। अभी अभी कम से कम 1.5 से 2 महीना और चलाओगे? यस सर। यस सर। 2 महीने तो लगभग 550-600 क्विंटल आराम से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं ये जितेंद्र भाई भी है जो कि वीडियो ले रहे हैं। इनका और राहुल जी का जी भाई साहब मेहनत बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा आप दिखा सकते हैं 17.5 टन के बाद भी प्लांट का कंडीशन, फ्रूट की क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। आज ये थोड़ा और इसमें क्या, अभी क्या आपको लग रहा है रोग वगैरह कुछ इसमें आया अभी तक? रोग प्रतिकारक क्षमता इस वैरायटी का कैसा? आप हर बहुत बढ़िया है सर। ठंडी में लगा डाउनी, इसमें डाउनी वगैरह नहीं आती सर। डाउनी वगैरह कुछ अभी तक नहीं आती है। ठंडी में भी अभी डाउनी वगैरह आया नहीं, लिमिटेड इस पे आपने किया? यस सर। तो जितेंद्र भाई थोड़ा आप जाइए, मैं आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। नमस्कार। कैसा लग रहा आपको अभी इस प्लाट? सर काफी अच्छा लग रहा है प्लाट हमारा। बराबर। तो अभी इसमें रोग वगैरह कुछ अभी तक इतना लिमिटेड इस पर आपने किया है, इस वैरायटी का रेजिस्टेंस पावर कैसा है, डाउनी वगैरह कैसा है? सर अभी तक इसमें डाउनी आप देख सकते हैं, कोई डाउनी आउनी कुछ भी मतलब आई नहीं है। मतलब आज ढाई मतलब 70-75 रोज का प्लाट हो गया अपना। 70-75 कोई भी ऐसा मतलब आप हरापन ग्रीनपन सब देख सकते हैं। बराबर। फ्रूट की क्वालिटी वगैरह मार्केट में क्या अभी रेट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में? सर अभी कल 27.5 रुपये अपन ने यहीं से दिया था सर। 27.5 रुपये। हाँ। फ्रूट की क्वालिटी वगैरह कैसा है? देख लीजिए सर फ्रूट की क्वालिटी, अभी तो सर कल ही तोड़ा था अपन ने। बराबर। अभी तो और बड़ी होगी। कल आपने तोड़ा था, कितना निकला था? सर कल 20 क्विंटल निकला था। कल 20 क्विंटल पाव ही निकले थे। जी जी। तो आप 1 एकड़ में कितना प्लांट लगाते हो? सर 9000। 9000। सिंगल लाइन लगाते? हाँ सर सिंगल लाइन। कितना डिस्टेंस रखते हैं सिंगल लाइन? 14 इंच। 14 इंच। हाँ। तो आपके हिसाब से 9-9.5 हज़ार 1 एकड़ में बैठना चाहिए प्लांट, बढ़िया रहता है। हाँ सर। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब 17.5 टन के बाद भी बहुत ही अच्छा सेटिंग आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी युक्सेल टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप बहुत बढ़िया प्रोडक्शन निकाले, हर बार निकाले।